जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं असरदार टोटके। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको धनवान बनाने के विषय में, आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी रखने के विषय में। किन्नर से मांग ली ये चीज, हमेशा रहेंगे धनवान। दोस्तों, आप पूरे महीने काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके पास पैसे टिकते ही नहीं। एक हाथ से पैसे आते हैं और दूसरे हाथ से खर्च हो जाते हैं, या खर्चों की लिस्ट पहले ही तैयार रहती है। पैसे आए और चले गए। अगर आपके पर्स में भी पैसे नहीं टिकते, तो हम आपको आज उन उपायों के बारे में बताते हैं जिसे अपनाकर आप अपने पैसों की किल्लत से निजात पा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आप अपने पर्स में किन्नर से मांग कर 1 रुपया रखते हैं, तो आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। ऐसी मान्यता है कि किन्नर को किया गया दान अक्षय पुण्य दान होता है। इनकी दुआएं व्यक्ति को हर विपत्ति से बचा लेती हैं। यदि आप पैसों की समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, तो किसी किन्नर से 1 रुपये का सिक्का वापस ले लें। यदि किन्नर अपनी खुशी से आपको सिक्का दे देता है, तो उसे हरे कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रखें या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानी दूर होने लगेगी और आपको जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते को भी आप शुभ मुहूर्त देखकर अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाल रंग का कागज, लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिखकर लाल रेशमी धागे से गांठ बांधकर पर्स में रखें। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। चावल, पर्स में रखें चावल के दाने। चावल के दानों का हिंदू धर्म में खास महत्व है। कहा जाता है कि अगर आप पर्स में चुटकी भर चावल रखेंगे, तो आपके पर्स से बेवजह पैसे खर्च नहीं होंगे और आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। पर्स में हमेशा रहेंगे नोट। ज्योतिष के मुताबिक, अगर आपको आपके माँ या पिता से या किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद में नोट मिले हैं, तो आपको उस नोट पर केसर और हल्दी का तिलक लगाकर इसे हमेशा अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे आपको पैसों में वृद्धि होती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। पर्स में रखें रुद्राक्ष। ज्योतिष के मुताबिक आप रुद्राक्ष भी अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे भी आपको जीवन में कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आप इन उपायों को अपनाकर पैसों की तंगी से बच सकते हैं और वास्तु शास्त्र के इन उपायों का फायदा उठा सकते हैं, अपने लिए धनवान बनने के लिए, धन लाभ के लिए। दोस्तों, आप इस जानकारी को समाज हित में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो, किन्नर से मांग लें ये चीज़, हमेशा रहेंगे धनवान। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल असरदार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।